लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। कई बार इंसान को ऐसी जगहों से कीमती चीजें मिल जाती हैं, जिन्हें वो कबाड़ समझ रहे होते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ एक अमेरिकी परिवार के साथ, जिन्होंने अपनी परदादी द्वारा वसीयत में मिली एक दुकान को ज्यादा अहमियत नहीं दी। कई सालों बाद जब उन्होंने दुकान को खोला तो हैरान रह गए। अमेरिका के इस फैमिली को ये दुकान वसीयत में मिली थी। ये शॉप 1940 से लेकर 1960 के बीच खुली थी, लेकिन जब परदादी की तबीयत खराब रहने लगी तो इसे बंद कर दिया गया था। फैमिली वालों को जब पता चला कि उनकी परदादी ने ये दुकान उनके नाम छोड़ी है, तब ये सोचते हुए कि इतनी पुरानी दुकान का वो क्या करेंगे, उन्होंने उसे जाकर देखना भी जरूरी नहीं समझा। साल 2014 में परिवार के कुछ सदस्यों ने एक बार जाकर अंदर से शॉप का हाल देखने का फैसला किया। जब वो अंदर गए तो उन्होंने देखा कि पूरी शॉप धूल से ढंकी हुई थी, लेकिन जब उन्होंने शॉप में रखे शू बॉक्सेस खोलने शुरू किए तो उनमें इतने सालों बाद भी काफी अच्छी हालत में रखे कई जूते मिले। इन विंटेज शूज की कीमत आज के समय में काफी ज्यादा अंकी गई है। इन दिनों कई वेबसाइट्स पर सालों बाद खोली गई इस विंटेज शू शॉप की फोटोज वायरल हो रही है।